हेलो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो तो मैं आप सभी स्टूडेंट तक पहुंचाने की 100% कोशिश करूंगा। और अभी की जो वीडियो है, जैसे कि पिछले कई सारी वीडियो में मैंने आप लोगों को रैंक कार्ड रिलेटेड अपडेट दिया था, जो भी स्टूडेंट ने 12th बेस पे, अगर आप लोगों ने हरियाणा पॉलिटेक्निक का फॉर्म अप्लाई किया है या अगर आपने ITI बेस पे हरियाणा पॉलिटेक्निक का फॉर्म अप्लाई किया है, तो आप लोगों का जो रैंक कार्ड है वो 21 जून को शाम के 6 बजे HSTS की तरफ से डिक्लेयर किया जाएगा। तो इससे पहले भी मैंने 2 घंटे पहले आपको एक बेसिक वे बताया था, जिससे आपको एक अप्रोक्सीमेट रैंक पता चल सके। तो अभी की जो वीडियो है, इसमें मैं आपको रैंक कार्ड बता देता हूँ, कैसे डाउनलोड करना है। और काफ़ी स्टूडेंट जो है डिमोटिवेट हो रहे अपने रैंक को लेकर, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अभी बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के जो रैंक कार्ड आ गए, आने दो। मैं इवनिंग में या कल मॉर्निंग, मतलब 22 जून सुबह सुबह, मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूँगा, जिसमें मैं बताऊँगा जो भाई कैसे, कितने रैंक कार्ड में आप, कौन से कॉलेज के लिए सेफ जोन में हो। तो घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट आने वाली हर अपडेट के लिए, जैसे काउंसलिंग कैसे अप्लाई करना है, सीट अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है, कब तक आप काउंसलिंग अप्लाई कर सकते हो कॉलेज, सारे प्रोसेस के लिए आप सिविल वर्ल्ड को फॉलो करते रहिए और अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ रैंक कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आप गूगल पे या क्रोम पे HSTS डालिए, हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, जैसा कि मैंने डाला है। तो पहले वाले लिंक पे ना जाके आपको सेकंड जो है यहाँ पे टेक एडमिशन वाला दिखेगा, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक जैसे आपने किया तो आपके पास अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। यहाँ आपको डाउनलोड की जगह पे रैंक कार्ड दिख रहा होगा, जैसे कि सभी स्टूडेंट को क्लियर भी है। तो हमने यहाँ पे रैंक कार्ड क्लिक किया। रैंक कार्ड क्लिक करते ही आपके पास जो भी ऑप्शन आ रहा है, जैसे आपसे जो भी मांग रहा है, जैसे कि पहले इन्होंने मांगा है सेलेक्ट कोर्स नेम, तो अभी लेटरल इंटरव्यू वालों का आया, तो आप लेटरल। रोल नंबर जो है, जब आपने फॉर्म भरा होगा उस टाइम आपके पास है, तो जिस स्टूडेंट का मेरे पास है, मैं उनका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर फिल करता हूँ। रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के बाद ये आपके पास सिक्योरिटी कोड मांगेंगे, जो गिवन है WC करके, ये आपको फिल करना है। उसके बाद व्यू रैंक कार्ड पे हम चलते हैं। अब हमने सिक्योरिटी कोड डाल दिया। कोड डालते ही आप व्यू रैंक कार्ड पे क्लिक करिए, और ये रहा इस स्टूडेंट का जो रैंक कार्ड है वो यहाँ आ गया है। तो आप इसका अपना स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, या जैसा आपको सही लगे आप प्रिंट करवा के भी ये रख लो, क्योंकि ये काम देगा। इस स्टूडेंट का जो टोटल रैंक है वो आया 1719। अब इसी रैंक के अकॉर्डिंग हम अपना काउंसलिंग अप्लाई करेंगे, और काउंसलिंग टोटल हमारे पास 2 है। तो फर्स्ट काउंसलिंग के बाद यही सेम रैंक कार्ड पे ही आपको सेकंड काउंसलिंग भी अप्लाई करना है। तो आपका फर्स्ट काउंसलिंग का जो वीडियो है वो मैं आपको कल ला के बताऊँगा कैसे आपको काउंसलिंग अप्लाई करना है। इसलिए सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आने वाली हर वीडियो के लिए आप सिविल वर्ल्ड को लाइक सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू। आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे।